Hello and Jai Hind to you all. My name is Vikram and I welcome you to iExamB Government Exams Made Easy. So guys, Insurance and Finance MCQ का आज हमारा पार्ट 3 है. इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो गाइज, ये हमारा जो सेशन होने वाला है जीआईसी और एलआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपके फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो गाइज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मे बिकम पेपरलेस इन द नियर फ्यूचर. दिस मीन्स आपको पता है कि जो इंडिया है और जो ग्लोब है क्या कर रहा है अभी फिलहाल, पेपरलेस में ज्यादा फोकस कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे फोकस. ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग इज इन द पीक. सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, एल आई सी विल नॉट इंश्योर एनी पर्सन हेयर आफ्टर एज इट हैज ऑलरेडी रीच इट पीक. दूसरा है, एल आई सी विल नॉट आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ पर्सन हु विशेज टू परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी. थर्ड है आपका, ऑल पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसी सर्टिफिकेट्स विल हैंस फोर्थ बी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड नॉट इन देयर प्रेजेंट फिजिकल फॉर्म एंड नॉट इन देयर प्रेजेंट फिजिकल फॉर्म. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है कि जो एल आई सी है अब इन फ्यूचर में क्या करेगा, जो आपका पॉलिसी सर्टिफिकेट होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, अब आपने क्या देना है, उसको ऑनलाइन देना है, अब आपने उसको स्कैन करके देना है. ठीक है, तो अब एल आई सी क्या करेगा कि एल आई सी आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देगा, आपकी मेल में आपको प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि उससे पेज बचेगा. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. इन इंश्योरेंस पॉलिसी वी ऑलवेज फाइंड अ डेट विच इज डेट ऑफ मैच्योरिटी, व्हाट डज इट मीन. ये आप तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है इंश्योरेंस में. तो आपके ऑप्शन है, दिस इज द डेट ऑन विच द पॉलिसी वाज सोल्ड टू द कस्टमर. क्या ये वो डेट है जिसमें एल आई सी किसी कस्टमर को अपनी पॉलिसी बेचती है. दूसरा हो गया आपका, दिस इज द डेट ऑन विच अ पॉलिसी होल्डर विल हैव टू सबमिट हिज हर क्लेम सीकिंग द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी अदरवाइज द कंपनी विल नॉट मेक एनी पेमेंट टू हिम और हर. तो मैं आपको बता दूं, जो पॉलिसी होल्डर है उसको इस डेट तक क्या करना होगा, क्लेम करना होगा अमाउंट का, अदरवाइज इसके बाद अगर वो क्लेम करता है तो उसे कोई भी पेमेंट नहीं दी जाएगी. तीसरा है, दिस इज द डेट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन इंश्योरेंस कंपनी विल कम टू द एंड. ये एक कॉन्ट्रैक्ट डेट है जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी और उस पर्सन के बीच में जो होल्डर है उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तरीके से खत्म हो जाएगा. या फिर चौथा है, द डेट ऑन विच द इंश्योरेंस कंपनी मेक द फाइनल पेमेंट टू द इंश्योर्ड पर्सन विच इज नॉर्मली 15 डेज आफ्टर द पेमेंट ड्यू डेट. तो जो आपके ड्यू डेट है इसकी 15 डेज बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी. ये वो डेट होती है जब कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको फाइनल पेमेंट कर देगी. तो मैं आपको बता दूं, जो आपका सी है वो है आपका राइट आंसर. ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, डेट ऑफ मैच्योरिटी जब खत्म हो जाएगी तो आपका उससे कॉन्ट्रैक्ट तरीके से खत्म हो जाएगा, आपका जो भी आपका इंश्योर्ड अमाउंट बनता है वो आपको दे दिया जाएगा. आई एग्जाम भी एल आई सी और जीआईसी से रिलेटेड आपको कोर्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन, इंटरव्यू की गाइडेंस भी आपको दी जाएगी हमारे द्वारा. 25% आपको ऑफ मिलता है. ठीक है, एनरोल कराएं जल्दी, कोड यूज करें गेट 25 और सीधे आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा. दिए हुए नंबर पे कॉल करें या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी वेबसाइट है www.iexambit.com, तो यहाँ पे आपके लिए सभी मॉक टेस्ट फ्री हैं. आप वेबसाइट पे विजिट करें, मॉक टेस्ट दें और अपने जो आपकी तैयारी चल रही है उसका लेवल चेक करें. तो गाइस, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, छोटी जगह फाइनेंस करना, छोटी कंपनीज में फाइनेंस करना, उनको आगे बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट करना. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, इंश्योरेंस फॉर लाइफ, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर ऑल ऑफ दिस. तो मैं आपको बता दूं, SHG आपने सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो ये क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल होता है माइक्रो फाइनेंस का. ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपने देखा होगा महिला मंगल दल, आपने देखा होगा पापड़ बनाना, जैसे कि आपको लिज्जत पापड़ बहुत फेमस है आज की डेट में. ठीक है, तो ये छोटी कंपनीज थी जो आज की डेट में बड़ी हो चुकी है. तो वो कैसे स्टार्ट हुई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जो कि गांव की महिलाएं मिलकर बनाती है, जैसे कि अचार बनाने की जो कंपनी छोटी सी उसको एस्टेब्लिश करना. अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस प्लान इज नॉट लॉन्च बाय LIC. तो LIC के द्वारा कौन सा इंश्योरेंस प्लान अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है. तो पहला है आपका जीवन छाया, लाइफ महालाइफ गोल्ड प्लान, चाइल्ड कैरियर प्लान या फिर चाइल्ड फ्यूचर प्लान या फिर जीवन सरल. तो इनमें से कौन सा प्लान है जो LIC के द्वारा नहीं किया गया है, तो वो है आपका लाइफ महालाइफ गोल्ड प्लान. ये LIC के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया. अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इंश्योरेंस इज। इंश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपको ऑप्शन में दे कौन देगा, तो यह आपका ऑप्शन इंश्योरेंस कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। दूसरा आपका पेइंग ऑफ अदर्स मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, ये ऑफ होगा गाइस, ठीक है। तीसरा है इंश्योरेंस टेकिंग फ्रॉम ए टू पे बी, या आपको ए से लेना है और बी को पे करना है। इंश्योरेंस पेइंग फॉर समथिंग विच विल नेवर हैपन, या फिर इसके लिए पे करना जो कभी होगा ही नहीं, या फिर दुर्घटना ले सकते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज ले सकते हो। तो जो हमारा इंश्योरेंस वर्ड है वो बेस्ट डिस्क्रिप्शन करता है हमारा सी से, इंश्योरेंस टेकिंग फ्रॉम ए टू पे बी। अगर आपसे जैसे पांच बंदे हैं, पांच बंदे ने इंश्योरेंस करवाया, उनमें से एक का भी कुछ हो जाता है अगर, तो वो चार बंदों का जो अमाउंट है वो यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया है अपना। एक इंश्योरेंस होता है ना कि इन फ्यूचर मुझे अगर ये हो जाएगा तो मैं इसके लिए पे कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता लोगों के साथ, अगर होगा भी तो हार्डली होगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये क्या करता है, इंश्योरेंस ए से इन सबसे लेता है और क्या करता है, बी को देता है जिसका होता है, ठीक है, और उसमें मुनाफा कमाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के सेक्टर में कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं आता है, तो आपके ऑप्शन है डीवैल्यूएशन, एमनेस्टी, हार्ड करेंसी, प्रिफरेंस शेयर या फिर सिंकिंग फंड। तो मैं आपको बता दूं, डीवैल्यूएशन, एमएनएसटी, हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होती है, आपका पेपर मनी। प्रिफरेंस शेयर क्या होता है, आपके शेयर मार्केट से। सिंकिंग फंड क्या होता है, जो कि डेब्ट शेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो डीवैल्यूएशन है, डीवैल्यूएशन ऐसा वर्ड है जो कि आपको फाइनेंस नहीं, ये आपको इको में, इकोनॉमिक में देखने को मिलता है, यानी कि किसी देश की करेंसी का जो वैल्यू है उसको घटाने को हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। एमनेस्टी का मतलब होता है सरकार के द्वारा दिया गया क्षमादान, जैसे कि कोविड हो जाता है तो सरकार ने बोला है कि आपको इतने पैसे या फिर इतनी छूट या फिर इतनी जो हेल्थ केयर है वो दी जाएगी, तो एमनेस्टी होती है सरकार द्वारा दिया गया क्षमादान। तो गैस अगला है हमारा एसएमई मींस। एसएमई आपने देखा होगा गैस, यहाँ पे एमएसएमई आपने एक वर्ड सुना होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्या होता है, तो मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया, आपके ऑप्शन सेलिंग एंड मार्केटिंग एस्टेब्लिशमेंट, सेलिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉय, सेल्स एंड मार्केटिंग एम्प्लॉय, या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हो गया आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मैं आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन करा है इंडियन गवर्नमेंट ने कि कोई भी अगर कोई एंटरप्राइजेस है, कोई छोटी सी कंपनी है, उसका कितना क्राइटेरिया होगा कि उसको माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम कंपनी में रखा जाएगा। तो माइक्रो के लिए उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे का होना चाहिए। ये सारा गाइस नीचे का है, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइजेस में मतलब आपका जो 10 करोड़ है उससे नीचे की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे का होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी मीडियम एंटरप्राइजेस में आती है तो आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का होना चाहिए और साथ ही साथ जो आपका टर्नओवर है वो 250 करोड़ से नीचे का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म एएलएम यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर। तो आपके ऑप्शन है एसेट लायबिलिटी मेंटेनेंस, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैनिपुलेशन, एसेट लायबिलिटी मैक्सिमाइजेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, जो एएलएम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से ये रिस्क को मैनेज करता है। अगर कोई मिसमैच होता है किसी एसेट और लायबिलिटी में, ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, उससे आपकी जो इकोनॉमी है वो डाउन जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को यूज करते हैं, ताकि जो उनके बीच में मिसमैच आया है उसको हम क्या कर पाए, फिल कर पाए। जो अगला है आपका, Which one of the following does not belong to regulatory bodies in India? तो इसमें से कौन सी ऐसी है जो एक regulatory body नहीं होती। Regulatory body क्या होती है, जो किसी एक particular field में regulate करती है, जैसे कि आपका SEBI हो गया, PFRDA, IRDA, FMC। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो है आपकी क्या नहीं है, एक तरीके से regulatory body नहीं है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकों को रेगुलेट करती है, IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करती है, ये इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इन इंडिया, ये क्या करता है, मार्केट को एक तरीके से रेगुलेट करता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होगा आपका PF वाला, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो पेंशन रिलेटेड जो फील्ड है उनको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ई, नन ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्या है गाइज, ये सारे के सारे एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, What does the letter S denote in the term IFSC? IFSC आपने देखा होगा, बैंक में मांगते हैं। आज की डेट में इंडिया क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो वहां पे आपका एक अकाउंट नंबर चाहिए होता है, दूसरा आपको चाहिए था IFSC कोड। IFSC कोड का मतलब क्या होता है, किसी बैंक का एक पर्टिकुलर कोड होता है जिससे उस बैंक का जो इंफॉर्मेशन है उसे हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो आपके ऑप्शन हो गए सब्सक्राइबर स्टेट सिस्टम सोर्स या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका, जो IFSC का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया सिस्टम। ठीक है, तो ये कोड क्या होता है, ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसमें बैंक की जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपने सुना होगा RTGS और NEFT करने के लिए एक यूनिक कोड उसे दिया जाता है, ताकि पता चल सके कि जो RTGS और NEFT हुआ है ये किस बैंक से हुआ है। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि IFSC यहाँ पे काम आता है। अगला है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBS, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कोर बैंकिंग सिस्टम या फिर कोर बैंकिंग सर्विस। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाती है गाइस, कोर बैंकिंग क्या होती है कि आपको कितनी क्विक और फास्ट डिलीवरी बैंक के द्वारा दी जा रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सब प्राइम लैंडिंग इज अ टर्म अप्लाइड टू द लोन मेड टू। तो सब प्राइम लैंडिंग क्या होती है, आपको एक तरीके का लोन है वो किसको दिया जाता है, जैसे कि आपका दोज बोरोवर हु डू नॉट हैव गुड क्रेडिट हिस्ट्री। तो गाइस यहाँ पे हमारे ऑप्शन है दोज बोरोवर हु डू नॉट हैव अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री, या फिर गुड जिसका गुड क्रेडिट हिस्ट्री है उनको देते हैं, या फिर जिनका गुड क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनको देते हैं, या फिर जिनका गुड डेबिट हिस्ट्री है उनको देते हैं, या फिर जिनका गुड डेबिट हिस्ट्री नहीं है उनको देते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो आपका सब प्राइम लैंडिंग होता है वो होता है उन बोरोवर्स को देना जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, जिसके पास पैसा कम है, तो ये उनको दिया था सब प्राइम लैंडिंग। अगला है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय RBI फॉर लेंडिंग मनी टू वेरियस कमर्शियल बैंक। अब आपको पता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या मांगते हैं, RBI से पैसा मांगते हैं, कभी कभार उनके पैसे की शॉर्टेज होता आती है, तो RBI उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है। तो ये सबको पता होगा गाइस, आपके ऑप्शन है बैंक रेट, डिस्काउंट विंडो, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर ओवरनाइट रेट। तो मैं आपको बता दूं, हम इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, तो ये होगा हमारा बैंक रेट। ठीक है, तो ये बैंक रेट किसके द्वारा जाता है, RBI के द्वारा दिया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए कमर्शियल बैंक्स को। अगला है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR, CRR बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कैश रिजर्व रेशियो। मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं, आपके ऑप्शन है यहाँ पे दूसरे, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिसेशन रेशियो या फिर कोर रिजर्व रेट। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो एक स्पेसिफिक मिनिमम एक फ्रैक्शन होता है, एक अमाउंट होती है जो कि जो हमारा डिपॉजिटर है वो जो जमा कराता है बैंक में एक दिन में टोटल, तो उसका कुछ अमाउंट सेंट्रल बैंक अपने पास उसे होल्ड में रख लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हालांकि ये 4 और 5 के बीच में रहता है, हालांकि 5 कभी नहीं जाता है। इसके बाद आता है हमारा SLR, तो ये होता है हमारा 18 और 20 के बीच में। तो ये दोनों अमाउंट क्या रहती है, एक तरीके से सेफ रहती है किसी भी बैंक की RBI के पास। तो गाइस यहाँ पे हमारा हो गया कैश रिजर्व रेशियो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDTL, तो NDTL का मतलब क्या होता है, न्यू डिमांड एंड टेन्योर लाइबिलिटीज, या फिर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, या फिर नेशनल डिपॉजिट एंड टोटल लिक्विडिटी, या फिर नेट डिमांड एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पे NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ये क्या होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, डिमांड क्या होता है गाइस मैं आपको बता दूं, नेट डिमांड तो ये होता है आपका एक तरीके से जो सेविंग बैंक हो गया, एक तरीके से करंट अकाउंट हो गया, जो कभी भी पैसा निकालो कभी भी पैसा डालो, ठीक है, उसको मतलब आपको एक दिन में भी डाल सकता है, एक दिन में निकाल भी सकता है। टाइम लाइबिलिटी होगी आपकी RD, ठीक है, ये हो गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ये एक तरीके से आप एक टाइम के बाद ही इसे निकाल सकते हो, यानी कि टाइम लाइबिलिटी है, एक टाइम के बाद बैंक ने किसको देना है, अपने कस्टमर को देना है। तो ये नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज कुछ इस प्रकार से होती है गाइस। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। तो गाइस आपने आई एग्जाम भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। यूज कोड करें EID25 हमारे कोर्सेज लेने के लिए, और 25% हमने डिस्काउंट दिया है उसको अवेल करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।